अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू घरेलू पकवान। आज हम बनाने वाले हैं अरविया की दाल। ये 2 किलो अरवी है, ये ऐसे रहती, इसे उबाल को मैं छिलका छिलका यहाँ रख लिया। ये 100 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा है तुअर की दाल। ये 4 बड़े टमाटर, ये 1 मिला के 5 ये काट के रखी हो, ये भी काटना है। हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ी प्याज बघार के लिए, थोड़ा करी पत्ता, थोड़े 4-5 मिर्ची बघार के लिए, थोड़ी मेथी दाना ये भी बघार के लिए। ये प्याज में थोड़ी बघार को रख ले को, इधर काट को रख ली, ये दाल में डालने के लिए। जीरा, प्याज, लहसुन, ये अरविया में दाल को इस दाल के साथ एक सीटी डाल लेती। वीडियो को शुरू करने से नए दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गिलास पानी डालियो मैं कुकर में, एक गिलास पानी भर के कुकर में डाल के हो। देखे अब इसमें मैं दाल, टमाटर, लहसुन, प्याज, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक भी डाल दूंगी, हसबे जायका। डाल दिए हूँ दाल, अभी टमाटर डालूंगी। उसी के साथ मिर्ची और हल्दी पाउडर, लहसुन, प्याज, जीरा। एक स्पून नमक भी डाल रही हूँ। दाल पकने के साथ में इसका कैप मुझ के इसको 3 सीटी लगा दूंगी। दाल अच्छे से गल गई है, अब इसमें अरविया और थोड़ा गलना, मैं 2 सीटी उबाल को रख ली हूँ। सो ये छिलका हो, अब ये इसमें दाल को और 1 सीटी लगा रही हूँ। एक सीटी के साथ अरविया अच्छे से गल गई, दाल भी अच्छे से गल गई है, अभी घोट को बघारना है। अरविया को मैं अलग कर लियो, अब ये दाल घोट रही हूँ, दाल घोट के बघारने का तड़का लगाना। घोटने के बाद दाल इस तरह से है, थोड़ा पानी में ही और 1 गिलास भर को रखी थी, इसमें 1/2 गिलास है, ये भी मैं डाल के बघारने के बाद डाल दूंगी। अभी बघार रख रही है कढ़ाई में। मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है 2 टेबलस्पून भर के, और उसमें राई, जीरा, मेथी डाल के, डालने के बाद प्याज, लाल मिर्ची, करी पत्ता डाल के अच्छे से तेल में फ्राई करके ठंडा करूंगी। ये थोड़ा पानी था कढ़ाई में वो तेल डालने के साथ, वो तेल का आवाज आ रहा है, अभी मैं डाल रही हूँ। राई डाली हूँ, जीरा डाल रही हूँ और मेथी डाला, उसी के साथ लाल मिर्ची, प्याज और करी लीव्स भी, लाल होने के बाद करी लीव्स डालू। ये वेजिटेबल अरवी है ना, ये कमर के दर्द को, गुड़गैंग के दर्द को, सभी बहुत अच्छा, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, सेहत के लिए। गोश्त भी अरवी, अरवी का ग्रेवी, दाल भी अरवी, ऐसा बना सकते हैं। हमारे यहाँ दाल में भी गोश्त में नहीं डालती, दाल बहुत अच्छी हो जाती है, टेस्ट होती है। धीमी आंच करके डाल देंगे। और
थोड़ा पानी डाल के चावल के साथ ये दाल बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। दो ग्लास पानी ले गया इसे। सर्व करने के लिए दाल तैयार है, व्हाइट राइस के साथ खा सकती इसको इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दाल अच्छे से पक रही है, सर्व करने के लिए तैयार है, व्हाइट राइस के साथ खा सकती है इस दाल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।